जैसा पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इसके लैटिट्यूड के बारे में बताया, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं पैरेलल लैटिट्यूड के, जो पैरेलल है उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी बात करते हैं। जैसे देखो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देयर फाइव अदर रीजन ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ना। देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा फाइव अदर पैरेलल लैटिट्यूड है ना। जैसे इक्वेटर को तो जीरो डिग्री कहते हैं, पहले बता दिए थे, यह सबसे बड़ा जो है ना पैरेलल लैटिट्यूड है। ये जो है इक्वेटर जो है सबसे लॉन्गेस्ट है ना, सबसे लंबा है ना पैरेलल लैटिट्यूड। इट इज पॉपुलरली इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है ना। द इक्वेटर बिटवीन द लॉन्गेस्ट एग्जैक्टली मिडवे डिवाइड अर्थ इनटू द इक्वल। ये जो है इक्वेटर, देखो ये इक्वेटर गया हुआ है, यह आधा आधा भाग में अर्थ को बांट देता है, ठीक है। इट इज द लाइन ऑफ रिफरेंस डेटिंग पोजिशन नॉर्थ साउथ, या एक नॉर्थ बना दिया और एक साउथ बना दिया, ठीक है। अब इसके अलावा कई सारे भी लाइन गुजरते हैं अर्थ से, जैसे देखिए ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर या ना ट्रॉफिक ऑफ है ना कैप्रिकॉर्न, देखिए ये ट्रॉफिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। ये एक्चुअली ऐसा लाइन नहीं है, ये अर्थ इक्वेटर की ही तरह ऐसा है, लेकिन जो अर्थ गोल होता है तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर जो है वह कहाँ से गुजरता है, तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है, देखो ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसी तरह ट्रॉफिक ऑफ कैंसर किधर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है कि साउथर्न में, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, इस चीज को याद रखेंगे। उसी तरह ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना कैप्रिकॉर्न, यह क्या है, यह 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री साउथ में, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में गुजर रहा था 23.5 डिग्री नॉर्थ में, लेकिन 23.5 डिग्री साउथ में जो इमेजिनरी जो है लाइन गुजर रहा है इक्वेटर के पैरेलल, उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर 66.5 डिग्री से अगर कोई लाइन गुजर रहा है तो इसे हम लोग अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। अगर साउथ में जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अगर ये आपको नॉर्थ में जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल। इतना डिग्री अगर नॉर्थ है तो यह हो जाएगा आर्कटिक सर्किल, अगर इतना डिग्री साउथ है तो अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है ना। ये दो ऐसे रीजन होते हैं जहां पे या तो 24 आवर डे रहता है या तो 24 आवर नाइट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो यहाँ पूरे दिन सूरज निकला ही रहता है या तो यहाँ पूरे दिन सूरज निकलता ही नहीं है, सिर्फ रात ही रात रहता है। किस एरिया में, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल में, ठीक है। चलिए ये तो आपको हम बताए बहुत सारे है ना लैटिट्यूड के पैरेलल लाइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ अर्थ। देखो अर्थ को जो है मेनली तीन जोन में बांटा गया है, आगे हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। All part of Earth do not receive the same amount of heat from the because of tilts. पहले the nucleus to magma climatic condition कहता है कि अर्थ का जो पूरा पार्ट है वह इक्वली सनलाइट प्राप्त नहीं करता है। इसी के वजह से क्या है, जो प्रदेश इक्वेटर के नजदीक होता है वह ज्यादा गर्म होता है ना, क्योंकि यह डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त करता है। इसके अलावा है ना जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन दोनों जगह पे क्या होता है, कोल्डर होता है, ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट सलेंटी आता है, बहुत कम सनलाइट, 1-2-3 घंटा ही सूरज निकलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे अर्थ को जो है हमारा डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, हमारे अर्थ को तीन जो हीट जोन है, जो है गर्म जगह है, इसको तीन भाग में बांटा गया है, टॉरिड, टेम्परेट और है ना फ्रिजिड है ना। देखिए टॉरिड जोन क्या है, तो टॉरिड जोन जो है बहुत, टॉरिड मतलब हुआ बहुत ज्यादा गर्म, टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म टॉरिड जोन होते हैं, वह जोन बहुत ज्यादा गर्म होता है। द जोन बिटवीन ट्रॉफिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉफिक ऑफ, देखिए ट्रॉफिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो ग्रीन वाला रीजन है यही टॉरिड जोन कहलाता है। यह क्या है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि सनलाइट जो है इस पे डायरेक्टली पड़ता है सूरज से, है ना, एक्सपीरियंस मोस्ट ह्यूमिड और इसका जो क्लाइमेट है बहुत ह्यूमिड रहता है ना। इंडिया का ज्यादातर पार्ट इसी रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉरिड जोन। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन मतलब होता है न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। यह जो है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल, देखिए ट्रॉफिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल ये भी टेम्परेट जोन है, और ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और अंटार्कटिक सर्किल ये भी क्या है, ये भी जो है आपको टेम्परेट जोन है, ये भी जोन टेम्परेट है, ये भी जोन टेम्परेट कहलाता है, समझे। तो बात समझ में आ गया, क्लाइमेट इन द सन, इसमें क्या होता है, सूरज जो होता है कभी डायरेक्टली ओवरलोड नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता है ना, यहाँ पे सूरज की रोशनी देर से पहुँचती है, मॉडरेट, इसलिए इसका जो है ये
इन्वायरमेंट जो है मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ सन का सलेंटी ऑफ रेज पड़ता है तो कम थोड़ा होता है ना। फोर, इसीलिए यहाँ पे चार सीजन पाए जाते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर सीजन पाया जाता है। हम लोग भी इसी रीजन के अंतर्गत आते हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड द हायर रीचेज एशिया सम प्लेसेज फॉल इन द नॉर्थन टेम्परेट जोन, है ना। नॉर्थन टेम्परेट जोन में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और जो है ना एशिया का बहुत सारा पार्ट आता है। द साउथ टेम्परेट जोन इंक्लूड साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ टेम्परेट जोन में जो कौन कौन जगह आता है, तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट आता है और साउथ अफ्रीका का भी कुछ आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, टेम्परेट जोन के अंतर्गत। अब बात करते हैं फ्रिड जोन। फ्रिड मतलब होता है मीन्स वेरी कोल्ड और फ्रीजिंग, बहुत ही ठंडा या बहुत ही फ्रीजिंग, बहुत ही ठंडा वाला जगह को हम लोग फ्रिजिड जोन, है ना, फ्रिजिड जोन कहते हैं। द फ्रिजिड जोन का रीजन ऑफ द एरिया बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन, दिखाते हैं हम यहाँ आपको। देखिए आर्टिक सर्कल यहाँ आ गया, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के ये भी एरिया जो आपको ब्लू कलर का हल्का सा दिख रहा है, ये एरिया फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक उसी तरह अंटार्कटिक सर्किल और ये जो है आपका साउथ पोल, इनका जो हल्का सा एरिया है ये भी क्या कहलाता है, फ्रिजिड जोन कहलाता है, जिसे हम लोग कॉमन तौर पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल भी कहते हैं। ये दोनों जगह जो होता है फ्रिजिड जोन में पाया जाता है ना। दीज रीजन आर कोल्डेस्ट, यह बहुत ही गर्म होता है, अर्थ का बहुत ही गर्म एरिया इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है ना नहीं पहुँचती, अगर पहुँचती भी है तो बहुत थोड़ा सा सनलाइट पहुँचती है। वहाँ पे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आइस, बर्फ पाया जाता है, स्नो, है ना, बड़ा बड़ा बर्फ का चट्टान, ये सब चीज़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, है ना। अच्छा, तो हम अभी आप लोग को ये चीज़ बताए कि वर्ल्ड के हीट जोन को कितने पार्ट में बांटा गया है, तीन पार्ट में। पहला पार्ट है टोरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिड जोन, आपने इसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा आपने लैटिट्यूड के बारे में जाना, जो है ना इसमें मेनली चैप्टर, इस चैप्टर में मेनली हम ये चीज जाने, सबसे पहले शेप के बारे में जाने, अर्थ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, फिर ग्लोब क्या होता है, एक्सिस क्या होता है ना, जो सेंटर से होकर एक इमेजिनरी लाइन गुजरता है वर्टिकली उसे एक्सिस कहते हैं, जो इमेजिनरी लाइन अर्थ के सेंटर से होकर है ना हॉरिजॉन्टल में गुजरता है उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये जो है आपको ये इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइंस होते हैं इस सबको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और ये एक्सिस के पैरेलल जितने भी डॉट होता है उसे हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इसके अलावा हमने और भी कई सारे लाइन, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे आपको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैपिसेरियन, आर्टिकल सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इस सब के बारे में जाने। ठीक है, तो इस चैप्टर इसमें वीडियो में मैं आपको इतना ही रहने देता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे ये इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।